हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष एंड वेलकम टू द चैनल टेक वीगन। आज हम बनाएंगे डिजिटल क्लॉक। तो ये डिजिटल क्लॉक आज हम बनाएंगे यूजिंग नोड एमसीयू ESP266 एंड OLED डिस्प्ले। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स की हम बात करते हैं तो ये ब्रेडबोर्ड हमें यूज़ करना है। ये हाफ साइज़ का ब्रेडबोर्ड है। अगर आपके पास ये ब्रेडबोर्ड नहीं है तो फिर आप ये फुल साइज़ का भी ब्रेडबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस फॉर्म फैक्टर जो है दोनों में वो बिल्कुल सेम है। बाकी जो एक डिफरेंस है वो यही है कि साइज़ का डिफरेंस है, बाकी फॉर्म फैक्टर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट नोड एमसीयू, तो ये नोड एमसीयू हमें यूज़ करना है। ESP266 बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर इसमें है। यहाँ पे जो आईसी लगी है ये है CP2102 USB2 TTL कन्वर्टर। क्योंकि हमें कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का यूज़ करना है प्रोग्रामिंग के लिए तो हमें इस आईसी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इसी के साथ आता है। अब इसमें दो टाइप्स के नोड एमसीयू आपको मार्केट में मिलेंगे। तो पहला जो है ये CP2102 बेस्ड है, दूसरा जो रहेगा वो CH340। उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, वो ब्रेडबोर्ड के बिल्कुल भी काम का नहीं है। वहाँ आपको दो ब्रेडबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये इसकी साइज़ थोड़ी छोटी है, इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसी को परचेस करिए, ठीक है। नेक्स्ट OLED डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं इसके पिन्स, टोटल 4 पिन है। I2C कम्युनिकेशन पे काम करता है, ग्राउंड, VCC, SCL और SDA। तो टोटल 4 पिन्स है, 4 पिन से ही हम इस नोड एमसीयू के साथ कनेक्शन करेंगे, ठीक है। और भी डिस्प्ले आते हैं जिसके पिन इस तरह से होती है। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पहली पिन जो है वो VCC, सेकंड ग्राउंड, और इधर वाले डिस्प्ले में फर्स्ट ग्राउंड, सेकंड VCC। तो आप हमेशा कनेक्शन जब भी करोगे तो आप चेक कर लेना कि आपका कौन सा टाइप का डिस्प्ले है। मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके पास ये डिस्प्ले है तो आप इस तरह से कनेक्शंस करेंगे, जो भी VCC वाली जो पिन रहेगी वो 3V3 को कनेक्ट करोगे, ठीक है। सर्किट डायग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से सर्किट डायग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसे कनेक्ट करते हैं। जब आप इसे पुश करोगे तो पिन्स पे प्रेशर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं PCB पर प्रेशर दे रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन को मैंने टच भी नहीं किया। जम्पर केबल्स, मेल टू मेल हमें जम्पर केबल्स यूज़ करने होंगे, ठीक है। तो पहला मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्राउंड। जो पहली पिन कौन सी है वो है ग्राउंड, तो ग्राउंड के ही कॉलम में मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। अब नोड एमसीयू का ग्राउंड ये। नेक्स्ट आप ध्यान से करना, 1 by 1, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट VCC, ठीक है, और ये VCC हमें कनेक्ट करना है कहाँ पे, 3V3 पिन पर। देख सकते हैं 3V3 पे कनेक्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट SCL, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, पहले OLED को कनेक्ट करता हूँ फिर उसके बाद नोड एमसीयू को, तो आप भी यही फॉलो करिए कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही स्टेप्स आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट थर्ड पिन जो बची है वो कौन सी है, SCL, और लास्ट पिन कौन सी है, SDA। तो SCL हमें कहाँ कनेक्ट करना है, यहाँ पे तो कोई SCL लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि नोड एमसीयू की जो SCL पिन है वो है D1, डिजिटल पिन 1, ठीक है। D1 पे ही कनेक्ट करना है, कहीं और कनेक्ट करोगे तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद दूसरी जो लास्ट पिन जो बची है वो है SDA, मतलब सीरियल डेटा, वो कहाँ कनेक्ट करनी है, D2, बिल्कुल D1 के नेक्स्ट, ठीक है। देख सकते हैं D1, D2,
कनेक्शंस हो चुके हैं, बहुत ही सिंपल है। अब इसमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ये है कि आपको आर्डिनो आईडीई की ज़रूरत पड़ेगी। आर्डिनो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ये एक सॉफ्टवेयर है, ऑफिशियली ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए मैंने, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आर्डिनो आईडीई के साथ ये जो बोर्ड है नोड एमसीयू, ये पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड नहीं आता है, आपको अलग से इंस्टॉल करना होता है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो लिंक दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि ESP8266 बोर्ड्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट यूजिंग बोर्ड्स मैनेजर और URL, ठीक है। और OLED को इंटरफेस करने के लिए हमें OLED के भी लाइब्रेरीज लगेंगी, तो Adafruit SSD1306, Adafruit GFX लाइब्रेरी, इन लाइब्रेरीज की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम अपलोड करते हैं। अब प्रोग्राम के बारे में आपको बता देता हूँ, प्रोग्राम जो है वो HTTP प्रोटोकॉल बेस्ड है। HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू वो एक पेज से डिजिटल क्लॉक की जो इन्फॉर्मेशन है वो रीड करता है, ठीक है। जो पेज रहेगा वो मेरे ही सर्वर पे है, मैंने ही स्क्रिप्ट किया है और मैंने उसका API भी बना दिया है, ठीक है। तो उस API को यूज़ करके हम यहाँ पे रियल टाइम डिजिटल क्लॉक डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे डे भी पता चलेगा कि कौन सा डे है, संडे मंडे जो भी है, तो वो डे भी पता चलेगा, टाइमिंग भी पता चलेगा, AM PM जो है वो भी पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए कोड अपलोड हमने कर दिया है, कनेक्टिंग टू वाईफाई, SSID का नाम आएगा जो भी रहेगा, कनेक्टेड, रन। अब देखिए आउटपुट आ रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। डिजिटल क्लॉक, ये सारी चीज़ें मुझे अरेंज करने के लिए बहुत टाइम लगा है, बहुत प्रोग्रामिंग मुझे करनी पड़ी। तो ये टाइम भी दिखा रहा है, डे, और उसके साथ डेट भी दिखा रहा है, तो काफ़ी बढ़िया क्लॉक हमने बनाई है, ठीक है। अब इस क्लॉक को सिंक्रोनाइज होने के लिए, ऑनलाइन सर्वर से सिंक करने के लिए यहाँ इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये टाइम दिखा रही है, अगर इंटरनेट डिसकनेक्ट हो जाता है तो फिर से कनेक्टिंग का ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसे कंटिन्यूसली इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ठीक है। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो फिर क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये IoT बेस्ड डिजिटल क्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये API कॉल हो रहा है, API मैंने ही बनाया है, ठीक है। HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू हमने API को कॉल किया, डिटेल्स फेच करी, और उस डिटेल्स पे कुछ प्रोसेसिंग करके हमने इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया और इस OLED डिस्प्ले पर डिस्प्ले किया। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कर दी है प्रोग्रामिंग में, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस कोड को अपलोड करिए और एन्जॉय करिए। Thank you.